आप ये कैसे कह सकते हैं मतलब आप समझ रहे हैं आप क्या कह रहे हैं हम हाँ, मैं सही हमारी माइक एथोलॉजी में भी काफी सारे ऐसे इंस्टेंसेस हैं सॉरी 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 मैडम सॉरी एकदम सॉरी मैडम मैं आपको थोड़ा यहाँ करेक्ट करूंगा कैसे कह सकता हूँ मैं कह रहा हूँ मतलब सारा जो एक गेम है ना दो चीज का है

वूमन। नमस्कार एंड वेलकम बैक टू बिटवीन द लाइंस विद राणा श्वेता आज की गेस्ट विजय पाल सिंह टोंक नाम याद आ रहा है कहीं थोड़ा बहुत वेल well, नहीं आ रहा है तो सीजन वन एपिसोड वन यूट्यूब पे जाके जरा फटाफट देख लो पहला एपिसोड किया था सर ने हमारे साथ काफ़ी हिट गया था एंड सीजन वन में आए थे अपनी पहली किताब के साथ एंड हियो वी आर टूडे विद हेम वांस अगेन विद सेकेंड बुक वुमेन अ फेस ऑफ प्राइड एंड पेन सो विदाउट एनी फर्दर डो दिस मैन नीड्स नो इंट्रोडक्शन लेट्स गेट इंड द कॉन्वर्सेशन डायरेक्टली विद मिस्टर टोंक विजयपाल सिंह टोंक

I mean that is very very humble of you. Yeah, but yeah. many congratulations on the success of the podcast. Thank you. And of course, your second book got published. I still mm -hmm. remember. हम लोग season one में अभी बात ही कर रहे थे and yes. here we are season two and आपकी mm -hmm. book already published हो गई है. So yes. congratulations once again. Thank you, man. So how does it feel? Regarding what? I'm mean, second <laughs> <publishing> book. <laughs> your Second <laughs> book again, of course. No, no really, I am delighted. and i'm you can say i think i might be on cloud nine wow <laughs> yes it's very nice and i'm trying to write more books i'm still writing on farmers then i'll get it published after 2 3 months because it's my passion to write down

एनर्जाइज माई थिंकिंग टो आई हैव टू गो सर्टन बुक्स एंड नो डाउट आई एम रेगुलर रेगुलर रीडर ऑफ़ न्यूज पेपर्स इट्स अ काइंड ऑफ एडिक्शन अगर किसी दिन अखबार नहीं आता तो आई फील जैसे वो शाम को इफ वी आर नॉट हैविंग अ कपल ऑफ पैगज एंड वी फील वेरी अपसेट एंड द सेम थिंग इट हैपन्स टू मी वैन आई आई एम नॉट गोइंग टू सी न्यूज़ पेपर ऑन माई टेबल

री इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आजकल की जनरेशन ना बहुत कंप्लेन करती है हमारे पास टाइम नहीं है ये नहीं है एंड लुक आउट यू यू आर वर्किंग एज अ मैनेजर इन इंडिया बुल्स एंड आई गेस यूर ऑलरेडी डन आई मीन योर सेकेंड बुक वट पब्लिश यूर ऑलरेडी ऑन टू योर थर्ड टाइम कहाँ से ला रहे हैं आप इतना सारा और लेट मी रीफ्रेम इट हाउ डू यू मैनेज योर टाइम एक्चुअली जो पैशन होता है ना मैडम किसी भी आदमी को किसी ना किसी चीज़ का पैशन होता है इफ़ यू वांट टू फुलफिल योर पैशन योर डिज़ायर टाइम अपने आप निकल जाता है समय right. so अपने यहाँ इंटरेस्ट जिस चीज़ में होता है ना आदमी का वो उसको करेगा सही अभी आपकी यहाँ मैं बात कहूँगा कोई एल्कोहलिक आदमी है उसको कितना ही बंद कर लो वो कहीं ना कहीं से मैनेज करेगा ऐसे ही जिसकी किसी की लिखने की हैबिट है किसी की पेंटिंग की है वैसे आपको शायद नहीं पता होगा मैं पेंटिंग भी कर लेता हूँ थोड़ा बहुत तो ये हॉबीज जो है ना एक्चुअली इनको हॉबीज तक लिमिटेड रख के हम आगे चल पढ़ते हैं हॉबीज़ को पैशन में अगर कन्वर्ट कर लें तो दे कैन प्रूव लॉट फॉर यू एंड योर लाइफ ट होना बहुत जरूरी एब्सोल्यूटली एब्सोलूटली जैसे बच्चे वो कहते हैं भाई पेपर क्लियर करना है, तो यू हैव टू बी डेडिकेटेड टुवर्ड्स योर स्टडीज रेगुलरली तो दैट चाइल्ड मस्ट क्रिएट पैशन रिगार्डिंग हिस्स स्टडीज अगर वो ऐसा करेगा तो सटनली विल कैरी दब्सोल्यूटली प्रॉब्लम ये होती है कि वो सीरियस नहीं हो पाते इन इवन आई वॉज ऑल्सो नॉट सीरियस एट माई स्कूल कॉलेज डेज सॉरी टू से

एक्चुअली इंस्परेशन एक बींग फ्रॉम अ वेल एजुकेटेड एंड वेल बिहेव फैमिली आई डोन्ट वॉन्ट टू बोस्ट ऑफ माई फैमिली पर्टिकुलरली बट इट्स ट्रू नाइनटीन थर्टी सिक्स में मेरे नानी जी के फादर भगत श्री भगत फूल सिंह जी उन्होंने गुरुकुल की फाउंडेशन रखी अच्छा इनिशियली तीन लड़कियां पढ़ी थी वो देखो 1936 प्री इंडिपेंडेंस एरा एग्जैक्टली एग्जैक्टली जब लड़कियों का तो पढ़ना आई थिंक इट वाज जस्ट अ ड्रीम जस्ट अ ड्रीम कोई पढ़ते नहीं थे अपनी लड़कियों को पढ़ाना ही नहीं जमींदार तो कहते भाई लड़की क्या करेगी पढ़ के दूसरे के घर जाएगी दिस ऑन दैट ही टूक एन इनिशियटिव एंड डिसाइड इट

लॉर्ड्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ कॉलेज डिग्री कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएशन इवन बी एड आयुर्वेदिक कॉलेज लॉर्ड्स ऑफ लॉ कॉलेज नानी जी की डेथ के बाद अब टुडे इट इज यूनिवर्सिटी गुरुकुल से अब आज की डेट में वो एक यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी है।, है भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय अच्छा एंड आई थिंक इट्स फर्स्ट यूनिवर्सिटी कंप्लीट फुल फ्लैज यूनिवर्सिटी इन नॉर्थ इंडिया बिकॉज दिस इज द रीजन बींग जैसे मेरी नानी जी ने लड़कियों के लिए किया बहुत किया तो थोड़ा ब्लड में है यू कैन से तो के लिए है और फिर एजुकेटेड और बिहेव फैमिली है बचपन से यही सीखा है भाई इज्जत करो सबसे आराम से रहो और नो डाउट व्हेन आई वाज यंग इन कॉलेज नो डाउट थोड़ा बहुत अप डाउंस तो यू कैन अंडरस्टैंड बीइंग अ यंग चैप बट स्टिल वी वर वेरी स्केयर्ड ऑफ माय डैड क्योंकि अगर उनको पता लग गया एंड सम रिपोर्ट हैज़ बिन गिवन टू हिम नहीं हम ऐसे नहीं तो मजाक करना बींग बींग अ फ्रेंड विद अ गर्ल इट्स डिफरेंट थिंग बट इफ यू आर गोइंग टू बी हार्श अगेंस्ट हर एंड इफ यू आर डूइंग समथिंग अगेंस्ट हर विल इज एब्सोल्यूटेड नल एंड वाइड एज पर द लॉ इज कंसर्न एज पर द्यूमैनिटी इज कंसर्न आई डोंट थिंक दिज आर गुड थिंग्स पता नहीं क्यों लोग क्या करते हैं

किसी को इज्जत देना तो बच्चे को भी देनी चाहिए छोटा बच्चा है वी मस्ट रिस्पेक्ट हिम वी मस्ट लव द चाइल्ड वी मस्ट रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स वी मस्ट लव दम इट्स एन नेचुरल फेनोमिना इट्स अ पार्ट एंड पार्शल ऑफ द लाइफ वी कान्ट सर्वाइव विदाउट ऑल दीज थिंग्स

इस केस में आप क्या बोलेंगे सर ऐसे केसेस से आपका थोड़ा विश्वास सा उठ जाता है फिर चीजों से yes, सिस्टम yes, से yes. ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं शायद औरतों के लिए जो लॉज बनाए जा रहे हैं या सोसाइटी बेटर होने की कोशिश कर रही है वो कहीं ना कहीं औरतें उसका गलत फायदा उठा रही हैं, इज इंट इट एब्सोल्यूटली यू आर ट्रू यू नो अ रीजन बिहाइंड इट दे रीजन फर्स्ट बिगेस्ट रीजन इज आवर पॉपुलेशन population may control security and to keep watch every time on everyone. It's quite difficult for the government, number one. Number two, illiteracy. Still, we, no doubt, we boast of that we are being, our country is being progressing day by day through education, this and that, but still it's a taboo that I think a very big portion of our society is still illiterate. This is also a big reason. And the last and final reason are the values. No doubt today's youth is excelling in various career fields. Yet they lack the foundation to respect women. Why?

मेटलिज्म इतना ज़्यादा हो गया कि हम स्परिचुअलिज्म से दूर होते जा रहे हैं और स्परिचुअलिज्म बहुत ज़रूरी है फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ आवर कैरेक्टर बिहेवियर एंड एटीट्यूड जी ये अब जैसे औरतों के लिए जैसा मैंने कहा हेल्पलाइन नंबर्स हैं आदमियों के लिए ऑन द कॉन्ट्री कोई हेल्पलाइन नंबर नहीं है कहाँ जाएंगे बेचारे मर्द <laughs> इतने दुखी हुए पड़े हैं मतलब देर इज नथिंग यू नो आई मीन वी कीप क्रैकिंग ऑल दीज जोक्स बड़े सारे मीम्स भी बनते हैं शादीशुदा मर्दों पे स्पेसिफिकली टू बी वेरी ऑनेस्ट अब मैं बताता हूँ इसका एंड so, कोई किताब नहीं है उनके ऊपर हाँ. एंड एवरीबडी इज राइटिंग अबाउट फॉर वन अगेनोन उनके फेवर में भर भर की आपको फेमनिज्म के नाम पे इतनाट कर रखा है हर जगह आई मीन आई एम सॉरी ऑल ऑफ दिस बट ऑल आई एम लुकिंग आर्टिस्ट की एक ही जेंडर को इतना हाइप क्यों किया जा रहा है actually we are talking about which india we are talking about the metro india metropolitan cities bombay bangalore delhi calcutta and all these have you ever been visited to remote areas the remote villages there still you will find lots of women being trampled by the man dominating society you won't believe आप उनका अगर रहना डेली लाइफ अगर आप देख लेना यू वोंट बिलीव इन सच अ क्रिटिकल कंडीशन दे आर ठीक है वी आर हैविंग एवरीथिंग लॉट्स ऑफ फैसिलिटीज इन दिग सिटीज हेयर नाउ यू आर यू आर राइट हेयर यहाँ मैंने बताया मॉरल वैल्यूज खत्म हो गए पैसा ही सब कुछ हो रहा है बड़े बड़े शहरों में दैट्स वाई दे आर यूजिंग दे आर यूजिंग सच टाइप ऑफ

एज़ पर अर्मल सेज दैट कि मैं दिल से सोचो दिल कभी नहीं सोचता सोचता दिमाग है दिमाग तो वी नेवर यूज़ आवर ब्रेन वो जो दिल से सोचते हैं ना वो गड़बड़ होती है वहाँ पर दिल तो पता नहीं क्या कहता है दिल तो मैं कहता हूँ मैं तो यार प्रधानमंत्री बन जाऊँ अभी एक मिनट में कैन इट बी पॉसिबल फॉर मी या दिल में कह चाहता हूँ यार मेरे पास तो पूरा वर्ल्ड की पावर मेरे पास आ जाए नहीं सोचना अच्छी बात है but positively. It's very essential. One should be positive. If we are passively thinking every time, what will we get? We'll get nothing. These are the things that what I think that such, such kind of women, if they are using such type of cases, false cases, you are saying it's absolutely very, very bad and very shame on the face of our society. But.

कॉलेज में पढ़ता था फेक हरासमेंट केस था hmm. तो इतनी सारी चीजें सामने आती हैं एंड आती हैं एंड दे गॉन बाय द टाइम पीपल एक्चुअली गेट टू नो द ट्रूथ ऑफ इट इट्स ऑल गॉन वैनिश्ड तो ये सब चीजों के बारे में कोई क्यों नहीं लिखता या कोई क्यों नहीं बताता है उसका एक रीजन ये है एक्चुअली आप बात बिल्कुल ठीक कह रहे थे मैन नॉमिनेटिंग सोसाइटी सो कॉल्ड वी आर सेइंग डरते तो ये भी हैं ऐसा नहीं है ये नहीं डरते ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि ऐसा नहीं है कि एक लड़कियों की औरतों की इज़्ज़त इज्जत इंसान हर एक की है बिल्कुल। जैसा टोलो एक बच्चे की भी है तो आदमियों की भी हैं तो ये इस टाइप के फॉल केसेस हैं फिर एंड बिहेवियर ऑफ आवर लॉ सिस्टम एक लॉ बनाया कि एक लड़की ने अगर ये कह दिया यस इसने मुझे दो महीने पहले छेड़ा था

माइंडसेट या ये कह लीजिए कि दृष्टिकोण जो है चीज़ों को देखने का कहीं ना कहीं काफी हद तक सेम ही होगा प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्या है ऐसा नहीं है चलो उन्होंने एग्जीक्यूशन ऑफ द लॉ वेदर इट इज इन राइट डायरेक्शन और नॉट इट डिपेंड्स एंड यू नो द करप्शन इज द मेजर रीजन बैंड ऑल सच टाइप ऑफ हॉडल्स ये करप्शन अपने आप में सबसे बड़ा हर्डल है कोई पहली बात तो कोई केस कर रहा है वो झूठा उसके, उसके बाद उसके बाद इफ़ ही यी इज़ थ्रोइंग मनी टू डिस्टर्ब अनदर पर्सन तो नेचुरली प्रॉब्लम फिर वही आ जाती है पैसा करप्शन जब तक हम कंट्रोल नहीं करेंगे और ट्रांसपेरेंसी मॉरेटी ये चीज़ें जब तक नहीं आएंगी जब तक ये समाज नहीं बदल पाएगा इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम एंड वी हैव टू टेक सर्टन स्टेप्स रिगार्डिंग रिगार्डिंग टू स्टॉप सच टाइप ऑफ एक्टिविटीज थ्रू द अवेयरनेस ऑफ अवर लॉ थ्रू द अवेयरनेस ऑफ एजुकेशन स्पेशली द मॉल वैल्यूज एंड एथिक्स ये बहुत जरूरी है कुछ पढ़े लिखे लोग हैं नो डाउट वो तो कुछ समझ लेते हैं अब प्रॉब्लम आती है द इलेटेड पीपल मोस्ट ऑफ द क्राइम जितने भी मैं भी न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ लड़की छेड़ ली गाड़ी में गिरली मोस्टली कौन मिलेंगे ये रिक्शा वाले या ये स्लम एरियाज़ में ये इस टाइप के ये कैसे कंट्रोल करेगी गवर्नमेंट उनको जब तक तो खुद का दिमाग ठीक नहीं होगा आप इट्स वेरी इजी टू नैब अ पर्सन एंड पुटिंग हिम बिहाइंड द बार एक दिन भर जाएगा पूरे पूरे क्या नाम है हमारे जेल क्या करोगे किसी को गिरफ्तार करके बंद करना लॉ खत्म नहीं होगा लॉ कंट्रोल नहीं होएगा जब तक उनकी सोच हम नहीं चेंज करेंगे दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट वी हैव टू चेंज अवर माइंड सेट रिगार्डिंग एज वेल एज फॉर एवरी वन दिस इज मोर इम्पोर्टेंट आपकी बुक पे अब थोड़ा सा बाद में आते हैं सो so, एक इंटरेस्टिंग सी गेम प्लान की है मैंने इस पर आपके लिए सो so, कुछ फेमस डायलॉग्स हैं बहुत फेमस एक्ट्रेसेस के कुछ बहुत अच्छी जानी पहचानी मूवीज़ के एंड आपको वो अपने तरीके से बोलना है आप कैसे बोलते ये डायलॉग ठीक है पहला डायलॉग है मैं अपनी फेवरेट हूँ अगर आप औरत होते आपको ये औरत के माइंडसेट से बोलना आप इसको कैसे बोलते आप थोड़ी देर में मेरे को कपड़े भी बदलवाना चाह रहे हो मुझे लग रहा है कि सर प्लीज गो एंड चेंज योर अटायर सिर्फ माइंडसेट करीना okay. कपूर का बहुत फेमस डायलॉग है जब भी मेट मूवी का मैं अपनी फेवरेट हूँ मैं अपनी फेवरेट हूँ लेटर भी मैं अपनी फेवरेट हूँ अरे वाह क्या बात है नेक्स्ट वन इज कुछ कुछ होता है राहुल तुम नहीं समझोगे कुछ कुछ होता है राहुल तुम नहीं समझोगे यहाँ पे तो आपको मैम का नाम लेना चाहिए था मैम राइट द लास्ट वन फॉर यू इज बड़ा ही फेमस काफी पुराना है मेरे करर अर्जुन आएंगे आज तक तो आए नहीं बेचारे मेरे करण नर अर्जुन आएंगे क्या बात है सर थैंक यू थैंक यू फॉर बीइंग अ स्पोर्ट आते हैं थोड़ी सी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन पे ओके okay. काफ़ी अभी आजकल चर्चा में है एंड बहुत ही मैसिव लेवल पे सेलिब्रेशन होने वाला है 22 जनवरी को yeah. राम मंदिर hmm. so, क्या व्यूज़ हैं आपके मतलब बहुत सनसनी टॉपिक है एकदम एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट इट लोग घर घर में चावल दिए डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं एंड मोदी जी कह रहे हैं पूरा एकदम दिवाली की तरह सेलिब्रेट करना है आपके क्या विचार हैं इस पे इफ इट इज अलिब्रेशन थ्रू आउट आवर कंट्री देन वी आर ऑल दो पार्ट एंड पार्शियल ऑफ दैट सेलिब्रेशन नो डाउट बिल्कुल वी दट इट and uh, we must enjoy the entire celebration accordingly. And it's very good that uh, the Ram temple is going to be completed in the coming few years. But one thing, what, one thing I want to say that it's very good that the temple will be there but one thing government can do in the name of lord rama. joki we must inaugurate a kind of iit university in the name of lord rama. it will be beneficial for the students, mm -hmm. for the youth. Mm -hmm.

It will, it will हाँ, 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 बट hmm. जितना मैं देख पा रही हूँ मतलब hmm. लोगों के सेंटिमेंट्स बहुत अटैच है इस मंदिर से और अभी जो फेरी सेकेंड को इनोग्रेशन होने वाला है अयोध्या hmm. में hmm. मतलब दूर-दूर से लोग जा रहे हैं एंड सारे लॉट्स ऑफ एक्जेक्टली लॉट्स ऑफ सेलिब्रिटीज आर बीन इनवाइटेड लॉट्स ऑफ लीडर्स आर बीन इनवाइटेड काफी सारा इट्स अ बिग सेलिब्रेशन अगर मैं इकोनॉमिकली बात करूं hmm. तो कंट्री का काफी रिसोर्स काफी पैसा hmm. मतलब इन्वेस्ट किया गया किया है एंड uh, 22 को लाइक आई सेड काफी मतलब और भी ज्यादा उस लेवल पे जिस लेवल पे ये हो रहा है हो रहा है एग्जैक्टली लॉट्स ऑफ वी आई पीज लॉट्स ऑफ सेलिब्रिटीज फ्रॉम मुंबई एंड एवरी फेयर फ्रॉम द इवन एवरी ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री लॉट्स ऑफ पीपल आर गोइंग देयर एंड नो डाउट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इट्स अ बिग गन दे कैन डू एनी थिंग

On some educational institute worldwide, hmm. I think it will be more applicable for our religion, for our God to be known throughout the world. Education, if some university or IIT, whatever Lord Rama University, Lord Rama Institute of Institute of Finan, uh, Science and all this, right. it will be very very fine step. अलॉन्ग वि कितना अच्छा लगेगा एक तरफ टेम्पल है भगवान का mm. और उस टेम्पल के साथ उन्हीं के नाम से एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बिल्कुल बच्चे पढ़ेंगे कितने बाहर से आएंगे द स्टूडेंट्स विल भी देयर फ्राम ऑल पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री फ्राम साउथ फ्राम नॉर्थ ईस्ट वेस्ट वाट एवर एंड दे विल भी एबल टू विजिट द शराइन इज इट दोनों फ़ायदा शराइन में भी आएंगे टेंपल में भी आएंगे और उनके नाम से उनके आशीर्वाद से वो एजुकेशन भी प्राप्त करेंगे करें। और वही बच्चे कोई फॉर्म में जाएगा कोई कहीं जाएगा एंड दे विल रिमेंबर दैट यस वी अचीव्ड वी हैव गॉट दिस डिग्री फ्रॉम श्री राम आई आई टी इंस्टीट्यूट अयोध्या पर अभी जैसा आप ये बता रहे थे तो मेरे दिमाग में एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आई है टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर इज दर ऑफ इलेक्शन क्या ये पूरा इनोग्रेशन करना ये सब कुछ प्लान था एजेंडा था गवर्नमेंट टू ड्रैक मिट स्ली टू दोलिटिकल पार्शल ऑफ टाइम ऑफ एजेंडा आई डोंट नो वाट एग्जैक्टली श्री राम यहाँ आके पॉलिटिक्स में नहीं करूँगा बिकॉज ये जो शब्द श्री राम है ना ये बहुत ऊंचा है यहाँ पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स कुछ भी नहीं जा सकती तो जब नाम ही श्री राम का आ गया तो आई थिंक एवरीथिंग इज नल एंड वाइड एंड वेरी स्मॉल एंड इवन टाइनी आई कैन से इन फ्रंट ऑफ दिस नेम तो ऐसी कुछ नहीं है गवर्नमेंट के इलेक्शन है इलेक्शन तो हर पाँच साल में चलते रहेंगे हर पाँच साल में नया मंदिर धुना बनाएंगे कितना पैसा लगेगा ऐसे नहीं होता है हाँ। क्योंकि अब हम श्री राम की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा रामायण की तरफ भी ले चलते हैं हाँ तो पूछना ऐसे जो मुझे पता हो <laughs> <laughs> रामायण की तरफ चलते हैं और क्योंकि आपकी किताब जो है वो औरतों के लिए है तो सीता जी को हम कैसे भूल सकते हैं एक्जेक्टली exactly. तो सीता जी का हरण हुआ था और फिर जब फाइनली चौदह साल के बाद वनवास काट के अयोध्या वापस आए हंसी खुशी रह रहे थे और एक धोबी के कहने पर हां उनको बोला कि यार जाओ अग्नि परीक्षा दो अग्नि परीक्षा।, परीक्षा श्री राम जी ने भगवान हाँ। थे उन्होंने बोला उन्हें कि यार जाओ आपको अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी तो जिन एट्रोसिटीज की आप बात कर रहे हैं वो तो हाँ, शायद कहीं ना कहीं सिंस वेरी बिगनिंग शायद मतलब मैं वही बता रहा हूँ ना ये आज नहीं है औरतों के साथ या किसी के साथ भी गलत होता को अच्छा बुरा सब हमेशा ही चलता है वो शुरू से इट हैज सिंस वेरी बिगनिंग ऑफ द सोसाइटी फ्रॉम द अब जैसे आप कह रहे हैं कि माता सीता जी को एक धोबी के कहने से एंड शी शी हैड टू गो थ्रू अग्नि परीक्षा एंड इवन लॉर्ड रामानी डिडेंट रेजिस्ट उसका रीजन बताता हूँ पुरुषोत्तम कहा गया उनको मतलब जहाँ तक मेरी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग है लॉर्ड श्री राम मतलब अच्छे गुरुकुल से एजुकेशन एंड एकदम सर्व गुण सम्पन्न जिसे exactly, कहते हैं exactly. सारे वेदों का ज्ञान सारी जितनी भी आपकी वॉर पेय <laughs> टेक्निक्स होती हैं या सब चीज़ों का ज्ञान था एंड जैसा कि आपने कहा उनको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहते थे yes. उसके बावजूद Haan. क्योंकि आपने पूरे एपिसोड के दौरान एजुकेशन का रोल मेंशन किया है डिस्पाइट ही वाज यहाँ पर थे शायद एजुकेशन के लेवल पे उसके Haan. बावजूद Haan. उन्होंने सीता माता को अग्नि परीक्षा के लिए भेज दिया तो yes. अब यहाँ पर आप कैसे कहेंगे कि एजुकेशन होने के बाद भी राइट हाँ, हाँ, जैसे मैंने आपको कहा था अभी क्योंकि हम श्री राम जी को पुरुषोत्तम क्यों कहते हैं बींग नो डाउट उनके टाइम की वॉज हाईली एजुकेटेड सब वेद वगैरह एन ही वॉज अ लॉर्ड इन सेल्फ तो नॉलेज तो उन्होंने ही दी थी है, 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 है। उन्होंने एक चीज सीखी थी टू रिस्पेक्ट एवरी वन नेवर डिनाय एनी वन ज क्रैक्ट hmm. उनके मदर के कई वो ऑफ मदर और अपने पापा से उनके फादर ने उनको चौदह साल वनवास भेजा एनी एक्सेप्टेड hmm. वो मना भी कर सकते वॉज सच अ पावरफुल पर्सन बट बींग नाइस यू कैन से और यू यू कैन से बहुत ही अच्छे एक बड़ा लड़का जैसे होता है भाई hmm. पिताजी का कहना मारना ही वॉज क्वाइट ओबीडियंट टूवर्ड हिज फादर एंड ही एक्सेप्टेड ओके पाप फादर जैसे वो चले गए एंड ही सर्वाइव देअर ई कम्प्लीटेड हिज एक्साइल देयर फॉर फोर्टीन फोटीन ईयर्स सीतामार ये वापिस आए आफ्टर डिफेटिंग रावणा अब क्वेश्चन आपका ये है कि एक धोबी के कहने से उनको एक अग्नि परीक्षा देनी पड़ी मतलब हम तो तुच्छ मनुष्य हैं वो तो भगवान थे। वो भगवान, exactly, a good तो भगवान। एग्जैक्टली वेरी गुड क्वेश्चन अब मैं बता यही रीजन था वो एक राजा बन गए थे तो ऐसा नहीं है कि उनको एक बार गुस्सा नहीं उठा था उठा था शायद आप जब कभी ध्यान बट उन्हें विचार किया कि एक धोबी ने ये बात उठाई है तो मेरे ऊपर hmm. और या मेरी पत्नी के ऊपर तो बड़ी शर्म की बात है बट वो बहुत अच्छे इंसान थे श्री राम उन्होंने उसको सजा देना वो चाहते कुछ भी कर सकते थे ही वुनिश्ड हिम बट ही डिड इन दैट स्टेप इन स्पाइट ऑफ दैट ही फुलफिल्ड दैट धोबी इज एट डिजायर एंड ही आज माता सीता सीता एक्सेप्टेड दिस इज़ बेसिकली अ गेम ऑफ एक्सेप्टेंस मॉरल वैल्यूज संस्कार उन्होंने मना करना नहीं सीखा था ओके आप इससे खुश हैं आप करो कोई बात नहीं उन्हें कहा गरीब कह रहा है कोई बात नहीं उनका हार्ट देखो कितने बेचारे कितने बड़े दिल के थे कि वो चाहते तो कुछ भी कर सकते थे बट ही डिडेंट ही एक्सेप्टेड द चैलेंज एंड माता सीता वेंट थ्रू अग्नि एंड जब अग्नि में माता सीता जा रही थी श्री राम वास ये तो आप ये तो देखो ये तो किया था उसके बाद फिर माता सीता चली गई थी बच्चों बच्चे बल्कि गुरुकुल में हुए थे लव कुश हाँ, हाँ। वो फिर वहां चली गई वहां जाने के बाद जब लव कुश से लड़ाई हुई माता को पता लगे तो मेरे वो श्री राम आए लड़ने के लिए और जब और वो फिर धरती में धरती में समा ये क्या चीज है अब मैं बताता हूँ सारी चीज दिस वुमेन एम्पावर श्री राम की असली शक्ति माता सीता थी उनके कहने से अग्नि अग्निपेक्षा करी और वो सक्सेसफुली कर गई विदाउट एनी हेजिटेशन एंड एनी काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंड वॉट एवर इट इज उसके बाद अब उनके बच्चों को पाला अच्छी शिक्षा दी अपने फादर की तरह से उनको सक्षम किया अकेले ब्रिंग एंड अप हर बोथ चिल्ड्रन बिल्कुल अकेले एक गुरुकुल में दिस इज वॉट दिस इज वुमेन एम्पावरमेंट मदर माँ माँ नहीं होती माँ मा एक बहुत बड़ा शब्द है इट वेज वेरी 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 मच बहुत अकेली रह के जंगल में गुरुकुल में जबकि वो रानी थी शी वुड हैव है इंजॉयिंग लॉट्स ऑफ लग्जरी लाइफ अपार्ट फ्रॉम दैट शी डिवोटेड हर लाइफ फर्स्ट फॉर 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 हर हजबेंड फॉर फॉर हर सन उसका अपना जीवन अगर देखा जाए माता सीता का अपना जीवन क्या था हेयर द क्वेश्चन रिगार्डिंग कमिंग टू माई वुमन बुक उन अपना अपना कोई दुख नहीं राम जी बड़ी इज्जत कर रहे थे प्यार कर रहे थे बच्चे अपनी माँ की बड़ी इज्जत कर रहे थे प्यार कर रहे थे बट द सोसाइटी सोसाइटी वॉज टोटली एडामेंट एट दैट टाइम ऑल्सो अगेंस्ट अगेंस्ट वूमेन एक धोबी के कहने से एक धोबी की सोच देखो कि धोबी क्यों है भाई हु इज द हु आज दैट पर्सन टू जज माता सीता एक रावण है चलो रावण दो राउन वॉज वेरी हाईली एजुकेटेड पर्सन है बट अपार्ट फ्रॉम दैट ब्रेन सरज्ञा वो कहते हैं एक छोटी सी गलती इंसान को खत्म कर देती है एंड ही डिड दैट ब्लैंडर मिस्टेक बाई किडनैपिंग माता सीता एंड एट द टाइम ऑफ एसेसिनेशन ऑफ रावणा ही ही सॉरी ही सेड सॉरी टू श्री राम एंड इवन माता सीता एंड ही आस्ट कि दैट आई हैव डन ब्लड मिस्टेक मुझे पता था मेरा अंत ऐसे ही होना था इट वाज बिन ऑलरेडी डिसाइडेड बाय सम ब्रह्मा व्हाट व्हाट वट वी कैन से इट्स सम काइंड ऑफ मैथोलॉजिकल चीज ये सब वही हैं एंड इवन श्री राम आज लक्ष्मण वाज बिट एग्रेसिव कहते ये रावण के चरण छो कहते क्या है कहते नहीं इनमें ज्ञान है ब्रह्मा ज्ञान इनके अंदर वेदों का ज्ञान भरा पड़ा है वेल well, काफी सीरियस डिस्कशन हो गया तो आ, <laughs> एक छोटा सा क्वेश्चन किया है काइंड ऑफ रैपिड फायर आप बोल सकते हैं ओके। एंड क्योंकि आपकी किताब जैसा कि हम सबको पता है औरतों पर है सो so, आपको खुद को औरतों के तरीके से सोचना है कि इस प्रॉम्प्ट पे एक औरत क्या रिप्लाई देगी <coughs> तो आपका पहला प्रॉम्प्ट है पहली जो भी चीज आपके दिमाग में आ रही है स्मृति ईरानी जी ने अभी रिसेंटली बोला है नो मैं लीव हम आई नो आइडिया बट पर्टिकुलर दिस थिंग बिकॉज इट्स टोटली फीमेल क्वेश्चन

हर औरत की है तो अगर ऐसी छुट्टियां लेंगे हर महीने चार पाँच दिन की तो कैसे काम चलेगा आप याद रखिएगा सर कि आप अभी औरतों के पर्सपेक्टिव से जवाब दे रहे हैं हाँ और ये बहुत सारी वुमेन ऑडियंस भी जो देख वो देख रही है वो मेरे को, वो, हाँ मेरे को वो मेरे को डांट वो मेरे को डांटेंगे मुझे हाँ, आई नो दैट नहीं 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 थोड़ा सा वो औरतें भी समझेंगी देखो वो भी काम करती होंगी वो भी कहीं ऑफिस में जॉब्स कर रही हैं वो भी समझती होंगी क्योंकि हर महीने इट्स नॉट जस्ट मैटर ऑफ अ डे और टू इट्स अ मैटर ऑफ पर एवरी मंथ तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हैव लीव एवरी मंथ फॉर दिस थिंग आई डोंट अंडरस्टैंड दे हैव गॉट सर्टेन प्रॉब्लम्स हाँ कुछ कॉन्सिक्वेंसिस अगर होती हैं किस किसी लेडी में या किसी औरत में रिगार्डिंग सच टाइप ऑफ थिंग it's a different matter but if it is quite it's a normal process and if it the normalcy is there so why unnecessarily we go for the leave and so all I these things exactly they, they are, are more even what i say women are more energetic than men आई कैन अंडरस्टैंड कि लॉट्स ऑफ ब्लड इज गशिंग आउट ऑफ योर बॉडी एंड स्टिल यू आर वर्किंग डे एंड नाइट एंड वेयर एज मेरे को अगर एक थोड़ा सा लग जाए आई एल बी मेकिंग लॉट्स ऑफ बुलिश नॉइज इज ओ उंगली कटकी क्या है क्या है मैं आज काम नहीं करूँगा इवन यू आर मोर पावरफुल चलिए सेकेंड फ्रॉम आपका फेक रेप केसेस नहीं होने नहीं चाहिए इट्स नॉट गुड इट्स नॉट गुड इफ टाइप ऑफ थिंग्स एंड टाइप ऑफ एट्रोसिटीज आर बींगटेडेड दैट इज नॉट गुड पार्ट ऑन द सोसाइटी ओमोसेक्सुअल

जब जानवर भी पालते हैं सॉरी टू से तो ऐसे नहीं होता बट आप ये कैसे कह सकते हैं सर कैसे कह सकता हूँ मैं कह रहा हूँ मतलब आप ये कैसे कह सकते हैं मतलब आप समझ रहे हैं आप क्या कह रहे हैं हाँ, सही हमारी माइथोलॉजी है। में भी काफी सारे ऐसे इंस्टेंसेस हैं जैसे हम अर्थ नारेश्वर की बात करते हैं हम हाँ, हाँ, भारत में शिखंडी नाम के हाँ, 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 हैं हाँ, हाँ, हाँ. तो आप बिल्कुल ही माइथोलॉजी को डिनाई नहीं रहे हैं। नहीं अब उसका सॉरी 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 मैडम सॉरी एकदम सॉरी मैडम मैं आपको थोड़ा यहाँ करेक्ट करूंगा सॉरी पहले तो आ आप शिखंडी Shikhandi was uh, half man, half woman, you can say a kind of, he was eunuch, isn't it? <coughs> Shikhandi was never been married neither to a woman nor a man. No, Shikhandi did get married. No. So many facts are correct, Shikhandi was actually born as a woman. एंड uh, क्योंकि उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली थी अपने पिछले जन्म में कि वो भीष्म का वध करेंगे, करेंगे। <laughs> तो शायद उन्होंने खुद को बचपन से ही <clears throat> एक आदमी के तरह रखा एंड अल्टीमेटलीफ आई एम नॉट रॉन्ग शी गॉट मैरिड टू अ वुमन इट सेल्फ उनकी okay. शादी भी हुई थी एक औरत से हुई थी ओके बायोलॉजिकली शी वॉज अ ड्रेस्ड अप एज अ मैन गॉट मैरिड टू अ वुमन ओके सो अगर मैं माइथोलॉजिकल ट्रेसेस या अगर okay. मैं अपने सर बेसिक सिविलाइजेशन या आर्किटेक्चर की भी बात करूँ पुरानी केव्स में अगर हम जाए तो वहाँ पे वो जो पिक्चर्स होते थे अगर आप उन्हें ध्यान से देखेंगे तो वहाँ पे क्लियरली इन चीजों का मेंशन किया गया है तो हाँ, लॉट्स ऑफ स्कल्पचर्स आर देयर एग्जैक्टली काफी स्कल्पचर्स ऐसे हैं जो अजंता एलोरा अजंता एलोरा एंड राइट एंड आई थिंक रिसेंटली सेक्शन 377 भी इजीली अबॉलिश भी किया गया है तो अननेचुरल आप किस पर्सपेक्टिव से कह रहे हैं सर बट सीधा ही है ये अननेचुरल ही है दोस वी हैड कॉफी वी हैड कॉफी द कॉफी वाज देयर इन द कप कॉफ़ी पीने के लिए है इफ आई एम ट्राइंग टू ईट कप कॉफी पीनी या कप थो ना खाऊ द सेम थिंग इज दिस खाना दाल रोटी साग सब्जी वेज नॉन वेज इफ आई एम गोइंग टू स्टार्ट ईटिंग पेबल्स ब्रिक्स पीपल विल कॉल मी फूल ये पा बोलो या भर्ती कराओ तो आई डोंट वॉन्ट टू डिसग्रेज सच टाइप ऑफ पीपल सॉरी आई एम नॉट ट्राइंग टू डिसग्रेज दैम बट What आई से सॉरी उनको चेकअप्स कराना चाहिए अपना इलाज कराना चाहिए कहीं ना कहीं सॉरी बट दिस स्टेटमेंट इज नॉट एक्सेप्टेबल सर आई मीन अगर हम एजुकेशन की बात करते हैं और uh, मतलब हियरिंग दिस फ्रॉम अ लर्नड मैन या फिर आप ही के जैसे और आदमी भी अगर यही स्टेटमेंट्स देने लगेंगे तो आपको लग रहा है लॉ ने गलती की है कि सेक्शन 377 उन्होंने क्यों एबॉलिश कर दिया फिर नहीं मैं उनको गलत नहीं कह रहा हूँ मैं उनको गलत नहीं कह रहा हूँ आई एम नॉट से दे आर दे आर डूइंग रॉन्ग और राइट नो आई एम सेंग दे आर हैविंग सर्टन बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स देयर शुड बी अ प्रॉपर ट्रीटमेंट मेडिकल ट्रीटमेंट सोशल ट्रीटमेंट टू अपग्रेड दैम सेल्फ टू चेंज दैम सेल्फ सो दैट दे कैन बी अडोप्टिड इन द सोसाइटी वेरी वेल बट अब बायोलॉजिकली सर अगर मैं एक औरत हूँ बट मे बी आई डू नॉट फील लाइक वन हाइपोथेटिकली बात करते हैं hmm. क्योंकि हम यहाँ पर बैठे हुए हैं तो मैं अपने आप का ही शायद एग्जाम्पल कोट करना चाहूंगी hmm. मैं यहाँ बैठी हुई हूँ बायोलॉजिकली आई एम अ वन बट आई डोंट फील लाइक वन एंड आई एम प्रबली अट्रैक्टेड टू वन वट्स रोंग इन दैट हाउ इज दैट अनैचुरल ये तो मेरी nee, uh, पर्सनल चॉइस है ना डाउट no इट्स सारा जो ये गेम है ना दो चीज का है एक तो ब्रेन का है एक हारमोन्स का है बिल्कुल इट। और इन दोनों को ठीक या, या तो साइकेट्रिस्ट करेगा या डॉक्टर करेगा सर साइका कोई बीमारी थोड़ी है सर नहीं आप यही तो आप लोग कह रहे हैं ना कि बीमारी नहीं है Exactly. मेरा मेरा कुछ कुछ तो 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 है ना लॉ लॉ ने 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 इंडियन ने, सुप्रीम कोर्ट कर I... कर दिया आ, कर दिया यस यस शायद शायद शुरू ही की थी थी तभी बात हुई थी, तो आपने हाँ... कहा था कि नहीं हमसे भी ज़्यादा तो अगर हाँ... इतने विद्वान लोगों ने कुछ तो कि... सोच बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आई एम नॉट टोटली रिजेक्टिंग और रिफ्यूजिंग दो आइडियाज़ और लॉ बट आई एम जस्ट टॉकिंग इन अ सिंपल सेंस एज पर अ पर्टिकुलर पर्सन ही और शी हु एवर इट वे बी कि एक बार अगर ये इस टाइप की चीज़ें हैं तो ही और शी मस्ट गेट इट चैकड ओ नंबर वन नंबर टू वो इसकी पर्सनल लाइफ है मैं उसमें मना नहीं कर रहा है. उसकी पर्सनल लाइफ है यस एज पर द लॉ इज कंसर्न यू कान रिसिस्ट एनी वन क्योंकि आ, ऐसा क्यों कर रहे हो इफ द लॉ हैज बिन हैज बिन मेड हैज बिन क्रिएटेड देन वी हैव टू एक्सेप्ट इट एंड इवन द सोसाइटी मस्ट एक्सेप्ट इट मैं तो खुद चाहता हूँ कि ऐसे आदमी को नेग्लेक्ट मत करो उनको प्यार दो ताकि वो भी बेचारे अपने आप को हो सकता है दे कैन चेंज सर, ना बिचारे क्यों मैं इंसानी है हमारे नहीं और वो बिचारे, और फिर वो फिर देखो इसलिए इसलिए बताता हूं, उनको हमने बना दिया जैसे आपने किताब लिखी है औरतों के ऊपर एंड यू नो औरतों पे अट्रोसिटी होती वो शायद कहीं ना कहीं मैं और आप अ पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी हम शायद वही गलती कर रहे हैं अगर आज उनके लिए से बाहर निकल के हाँ, एक्सप्रेस हाँ, कर रहे हैं कि देम इन एवरी एस्पेक्ट उनके हेल्प करो ताकि वो हमारे साथ घुल मिल सके वही तो प्रॉब्लम है ना अब सपोज कर लिए प्रॉब्लम आएगी मैं बता रहा हूं ऐसे आदमियों के साथ बेचारे दे अगेन बीन ऑलवेज बीन नेग्लेक्टेड बाय द सोसाइटी

बाईपास करते थे जो मुझे अच्छा नहीं लगता था हालांकि मैं भी माइकल से तो क्योंकि मैं आई वाई यूज टू डू ब्रेक डांस इन माई कॉलेज डेज तो वो भी कथक वथक माइकल कहते मैं सिखाऊँ मैं नहीं मैं ही सीख लूँगा आई एल डू इट माई सेल्फ तो इस टाइप के जो है ना अब पता नहीं वो कहाँ सेट हुए हो होंगे वो कॉमर्स में था लड़का वो अच्छा इंटेलिजेंट था तो उनको मैं समझा समझाता भी था मैं बेटे थोड़ा हाँ स्ट्रॉन्ग बन जिम वगैरह जाए ट्राई

दे आर दार्ट ऑफ द सोसाइटी भगवान ने बनाया उनको बट मैं सिर्फ आई एम टॉकिंग अबाउट द रेमिडी हाउ दे कैन चेंज और दे कैन इम्प्रूव देवर साइड बाई दे सो काफी लंबा खिंच गया ये वाला सेक्शन एंड फाइनली कमिंग बैक टू य आपने एंड में uh, मैं इसके आई वॉज गोइंग थ्रू इट लाइक आई सेड अर्लियर तो आपने यहाँ पे स्पेशली एक लाइन मेंशन किया है आई अपोलोजाइज इफ़ एनी वन फाइन्स एनी कॉन्टेंट ऑफेंसिव और हर्टफुल ऐसा क्यों लगता है आपको कि ऐसा क्यों होगा अगर कोई किताब क्योंकि आपने औरतों को डेडिकेट की है तो औरतें अगर इसको पढ़ रही हैं तो ऑफेंसिव या हर्ट क्यों होंगी उसका रीज़न है कोई जरूरी नहीं कि मेरे सारे कॉन्टेंट हरे को एक्सेप्टेबल हों mm -hmm. मेरे आइडियाज हों वे दे आर वीमन और मैन दैट्स वाई आई जस्ट पैन डाउन सर्टन जस्ट फ्यू टू वर्ड्स इन दैट रिगार्ड भाई हो सकता है कि मैं कुछ लिख रहा हूँ एक पर्टिकुलर टॉपिक आपको शायद पसंद ना हो चार पसंद गए हो तो एवरी थिंग इज नॉट कप ऑफ टी फॉर एवरी वन इट घर की औरतों का क्या कहना है आपकी किताब के उर्तों? मेरे घर के औरतों ने पढ़ी नहीं है सॉरी टू से आउच दैट दैट हर्ट्स माय वाइफ इज इन फ्रंट ऑफ मी आस्क हर ओ माय गॉड दैट दैट्स एक्चुअली वेरी पेनफुल मतलब आपने औरतों के लिए स्पेशली किताब लिखी और आपकी घर की औरतों ने आपकी किताब यू कैन अंडरस्टैंड यू कैन अंडरस्टैंड माय प्लाइट

एंड दिस टाइम आई एम एक्सपेक्टिंग शायद हो सकता है नैचुर अन नैचुरल के बियंड हम शायद थोड़ी और चीज़ों पर बात कर पाएंगे एंड तब तक राम मंदिर का भी इनाग्रेशन हो चुका होगा तो hmm. काफ़ी और इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन हमारे पास होंगी इट वंडरफुल टू हैव यू बैक विद अस थैंक यू सो मच एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दी सक्सेस ऑफ यकेंड मुकाबला थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर जोइिंग